हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लासेंटा और कॉर्ड की एबनॉर्मैलिटीज और उसमें भी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस कौन से होते हैं, यानी उनकी साइज और शेप में कौन कौन सी वेराइटीज देखने को मिलती है, इसके बारे में समझेंगे। और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्लासेंटा की एबनॉर्मैलिटीज यानी प्लासेंटा के वेरिएशंस। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे पिछले वीडियो जिसमें कि मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है प्लासेंटा का, उसको आप ज़रूर देखें ताकि इन एबनॉर्मैलिटीज़ को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट, और इन्हें समझने में आपको क्या रहेगी, आसानी। सबसे पहले है प्लासेंटा सेंचुरेटा। व्हाट इट इज प्लासेंटा सेंचुरेटा, क्या होता है प्लासेंटा सेंचुरेटा में, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ये डिस्कॉइड शेप प्लासेंटा है, मेन पोर्शन। यहाँ से क्या होता है, देर इज ए एक्स्ट्रा लोब और द एसेसरी लोब, हियर इट इज, जिसे सेंचुरेट लोब भी कहते हैं। और यहाँ पे है अम्बिलिकल कॉर्ड और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के इंसर्शन के यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली ब्लड वेसल्स जो कि रेडिएट होती है ऑन फीटल सरफेस। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा प्लासेंटा सेंचुरेट। दैट इज अ एक्स्ट्रा लोब, क्या होता है एक्स्ट्रा लोब जो कि मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा से क्या होता है, सेपरेटेड। हियर इट इज द एक्स्ट्रा लोब और द एसेसरी लोब, जिसे बोलते हैं सेंचुरेट लोब, जो कि कुछ ब्लड वेसल्स, और कौन सी ब्लड वेसल्स, जो कि इसी मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा से रेडिएट होती है, उसके साथ में इन वेसल्स के साथ में ये पोर्शन क्या रहता है, कनेक्टेड। और यहाँ पे ये फीटल मेम्ब्रेन से ये लोब भी क्या रहता है, कनेक्टेड लाइक दिस। सो दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा सेंचुरेटा। कैसे बनता है ये, नॉर्मली क्या होता है, कोरियोन फ्रेंडोसम से विलाइस का फॉर्मेशन होता है और वही चल के आगे डिस्कॉइड शेप प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। और डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो कि दूसरी ओर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वहाँ पे भी विलाइस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है और फीटस एनलार्ज होता है, उसी के साथ में वहाँ पे बनने वाली जो विलाइस है वो क्या हो जाती है, एट्रोफिड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हीं विलाई में से, यानी जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस साइड में जो विलाइज है जो कि कोरियोन लीव को बनाती है, जो कि कोरियोन लीव यानी लेटर ऑन जो कि कोरियोन का फॉर्मेशन करती है, उसी कोरियोनिक लीव में से कुछ विलाइज क्या हो जाती है, फंक्शनल। और वही कॉटिलेडोन्स और लोब्स, वही विलाई किन में कन्वर्ट हो जाती है, कॉटिलेडोन्स और लोब, जो कि स्लाइटली एक मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा से क्या रहती है, एक डिस्टेंस पर रहती है, बट क्या होती है, इसी प्लासेंटा की वेसल्स के साथ क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लासेंटा सेंचुरेटा। और अगर ऐसे सेम कंडीशन है लेकिन अगर इंटरकनेक्टिंग वेसल्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या बनाती है, प्लासेंटा स्प्यूरिया, प्लासेंटा स्प्यूरिया। सो प्लासेंटा स्प्यूरिया क्या है, मतलब सेम इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा एसेसरी लोब कॉटिलेडोन्स का फॉर्मेशन होगा लेकिन इंटरकनेक्टिंग ब्लड वेसल्स नहीं होगी जो कि मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा से अटैच होती है। लेकिन सेंचुरेटा के अंदर क्या होता है कि कुछ इंटरकनेक्टिंग ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सो ये कहलाती है प्लासेंटा सेंचुरेटा। और कैसे बन रही है, फंक्शनल पार्ट ऑफ विलाइस जो कि कोरियोन लीव में है उसके डेवलपमेंट के कारण ये बन रही है। और ऐसी कंडीशन के साथ में क्या चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वुमेन को पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे ये जो पार्ट है कॉटिलेडोन या जो एसेसरी लोब है ये मदर की बॉडी के अंदर ही रिटेन रह जाए, ये मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा के साथ डिलीवर अगर नहीं हो पाए तो उस कंडीशन में वुमेन को क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो क्या वेराइटी है, दैट इज प्लासेंटा सेंचुरेटा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा और एसेसरी लोब फ्रॉम अवे फ्रॉम द मेन पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा बट इट इज कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स दैट आर रेडिएटिंग फ्रॉम दिस मेन पोर्शन ऑफ प्लासेंटा। सो इट इज कॉल्ड प्लासेंटा सेंचुरेटा।
नेक्स्ट कंडीशन होती है प्लासेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस, और इसमें भी अगेन टू वैरायटीज हैं. वन इज द प्लासेंटा सर्कम वैलेट और द प्लासेंटा सर्कम मार्जिनेट और द प्लासेंटा, यू कैन से दूसरा नाम है इसका प्लासेंटा मार्जिनेटा. तो यहाँ पे इस एबनॉर्मेलिटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा. नॉर्मली प्लासेंटा के अंदर दो प्लेट होती है, वन इज द बेसल प्लेट और एक होती है कोरियोनिक प्लेट. और कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट यूजुअली क्या होती है, इक्वल, दोनों ही बराबर होती हैं. और इस कोरियोनिक प्लेट से क्या अराइज होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड. यहाँ से क्या इंसर्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड. तो नॉर्मली जो कोरियोनिक प्लेट है और जो बेसल प्लेट है दोनों इक्वल होते हैं. और जो मेम्ब्रेन्स का इंसर्शन होता है, मेम्ब्रेन यानी फीटल मेम्ब्रेन कहाँ से इंसर्ट होती है, इस मार्जिनल एंड ऑफ प्लासेंटा से नॉर्मल कंडीशन के अंदर. लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन बनती है एक्स्ट्रा कोरियालिस के अंदर, सर्कम वैलेट और सर्कम मार्जिनेट. सर्कम मार्जिनेट के अंदर क्या होता है, दोनों ही कंडीशन के अंदर यूजुअली क्या होता है, जो ये कोरियोनिक प्लेट होती है, ये कोरियोनिक प्लेट की साइज बेसल प्लेट के कंपैरिजन में क्या होती है, शॉर्ट. ये क्या होती है, शॉर्ट. सो कोरियोनिक प्लेट कितना है कि साइज शॉर्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके कंपैरिजन में बेसल प्लेट क्या है, लार्जर. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे सर्कम मार्जिनेट और प्लासेंटा मार्जिनेटा के अंदर. तो यहाँ पर जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट इज एमनियन एंड कोरियोन, क्योंकि यहाँ पे कोरियोनिक प्लेट की साइज क्या हो चुकी है, स्मॉलर. तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइक दिस. इस कंडीशन के अंदर फीटल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, मार्जिन से इंसर्ट ना होके वेरजन सेंट्रल पार्ट से इंसर्ट होती हैं, नियर अबाउट द सेंटर, जिसके कारण यहाँ पे स्लाइटली कोरोनिक प्लेट एलिवेटेड दिखाई देगी. और उसी के साथ में जो ये अम्बिलिकल वेसल्स हैं, ये रेडिएट होती हुई कोरोनिक प्लेट के इस पार्ट तक ही दिखाई देगी, ये मार्जिन तक रेडिएट नहीं होगी, क्योंकि कोरोनिक प्लेट जो है वो यहीं तक लिमिटेड है. सो यहाँ पे एक फाइब्रस रिंग दिखाई देगी इस सेंटर पार्ट के अराउंड, जो कि पेरिफ्री तक ये कोरोनिक प्लेट एक्सटेंड नहीं होने के कारण बन रही है. तो यहाँ पे प्लासेंटा मार्जिनेटा के अंदर क्या हो रहा है, कोरोनिक प्लेट की साइज छोटी है इन कंपैरिजन टू बेसल प्लेट, जिस कारण जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सेंटर पार्ट से ही, उसके अराउंड से ही क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है. और जो ये वेसल्स हैं ये मार्जिन तक इंसर्ट ना होके, रिडेट ना होके, ये सेंट्रल पार्ट तक ही क्या होने लग जाती है, डिसअपियर. और इस सेंट्रल पार्ट के नियर क्या बनने लग जाता है, एक फाइब्रस रिंग, बिकॉज कोरोनिक प्लेट की साइज ओनली मिडिल पार्ट के राउंड तक ही रहती हैं. और यहाँ पे इस तरीके से स्लाइटली एलिवेटेड कोरोनिक प्लेट की मार्जिन दिखाई देती हैं. नाउ इन सर्कम वैलेट, प्लासेंटा सर्कम वैलेट के अंदर क्या हो रहा है, ये इसमें भी सेम कंडीशन हो रही है. कोरोनिक प्लेट जो होती है इसकी साइज क्या है, बेसल प्लेट से छोटी. लेकिन यहाँ पे एमनियन एंड कोरियोन क्या फॉर्म कर रहे हैं, डबल फोल्डिंग. क्या हो रही है, एमनियन एंड कोरियोन क्या हो रही है, डबल फोल्ड. और इस एमनियन एंड कोरियोन के डबल फोल्डिंग के कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी एक फाइब्रस रिंग तो फॉर्म हो रही है, लेकिन वो कैसी है, मोर थिक, बिकॉज यहाँ पे एमनियन लेयर, यहाँ पे वन लेयर एंड टू लेयर, एमनियन एज वेल एज कोरियोन, ये दोनों ही क्या हो रही है, डबल फोल्ड. और इसी कारण यहाँ पे थिकनेस स्लाइटली क्या हो रही है, इंक्रीज, जिसके कारण यहाँ पे एक थिक रिंग दिखाई देगी नियर द सेंटर. और जहाँ पे अगेन इसी की तरह ब्लड वेसल्स यहाँ पे रेडिएट होती हुई दिखाई देगी, और वो इसी सेंटर पार्ट जहाँ तक की ये रिंग दिखाई दे रही है वहाँ तक रेडिएट होती हुई दिखाई देगी, और बाद में ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर. तो यहाँ पे जो प्लासेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस कहा गया है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट,
जो इस बेसल प्लेट के अराउंड प्रेजेंट जो विलाइज हैं, जो कि इस कोरोनिक प्लेट से कवर्ड नहीं है, तो ये क्या है? ओपन, बिकॉज इस कोरोनिक प्लेट से कम्प्लीटली कवर्ड नहीं है और ना ही फीटल मेम्ब्रेन्स है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक्स्ट्रा कोरियालिस, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय दिस कोरोनिक प्लेट। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ तक इस तरीके से कवर्ड रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कवर्ड नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक्स्ट्रा कोरियालिस। सो ऐसी कंडीशन के अंदर नॉर्मली वुमेन्स के अंदर अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर उनके प्लासेंटा में ये वराइटीज देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट वराइटी है प्लासेंटा के अंदर, प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसिया। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मेम्ब्रेन लाइक प्लासेंटा कैसा हो जाएगा? मेम्ब्रेन लाइक थिन। यानी इस कंडीशन के अंदर प्लासेंटा कैसा होता है? लार्ज और थिन। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि कोरियोन फ्रंडोसम के यहीं पर विलाइज का फॉर्मेशन होता है और डिस्कॉइड शेप प्लासेंटा बनता है, और जो रिमेनिंग डेसिडुआ कैप्सुलारिस के यहाँ पे बनने वाली विलाइज क्या हो जाती है? एट्रोफिड। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस जो कि लेटर ऑन वहाँ पे बनने वाली विलाइज फ्यूज होकर कोरियोन लीव बनाती हैं, उन कोरियोन लीव के अंदर बनने वाली जो विलाइज हैं वो यहाँ पे क्या रहती है? फंक्शनल, वो एट्रोफिड नहीं रहती हैं, जिससे डिस्कॉइड शेप ना हो के प्लासेंटा जो है वो होल अपर लैटरल एंड लोअर पार्ट तक क्या होता है? एक्सटेंडेड, जिसके कारण प्लासेंटा कैसा रहता है? लार्ज और थिन। यानी कोरोनिक विलाइज कोरोनिक लीव से भी क्या हो रहा है? विलाइज का फॉर्मेशन। तो इस टाइप के प्लासेंटा के साथ में वुमेन के अंदर सेपरेशन में डिफिकल्टी होती है बिकॉज प्लासेंटा इज सो लार्ज थिन। नेक्स्ट और वेराइटीज होती हैं लाइक प्लासेंटा बाईपार्टाइट, या फिर कह सकते हैं बाई लोब्ड। नाम से समझ में आ रहा है बाई मीन्स टू, लोब मीन्स दो। इसमें भी दो लोब दिख रहे हैं आपको, द लार्जर एंड द स्मॉलर, अनइक्वल साइज के। लेकिन यहाँ पे जो प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या होंगे? देर आर इक्वल साइज ऑफ लोब्स ऑफ द प्लासेंटा। यहाँ पे क्या बन रहे हैं? इक्वल साइज। यहाँ पे कैसे हैं? अनइक्वल। लेकिन ये कोई ट्विन प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, इन ए नॉर्मल सिंगल टर्न प्रेगनेंसी की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड से फाइनली क्या होने लगता है? वेसल्स रेडिएट होती हैं। और ये वेसल्स दोनों ही लोब बाईपार्टाइट, दोनों ही लोब को इक्वली क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इसमें जो लोब्स और कॉटिलेडोन्स हैं वो कैसे होंगे? इक्वल साइज के। बट अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगी? एक ही रहेगी इस तरीके से, और दोनों ही लोब्स क्या होंगे? दे आर कवर्ड विथ कॉमन फीटल मेम्ब्रेन। तो प्लासेंटा की वेराइटी क्या कहलाती है? बाईपार्टाइट और बाईलोब्ड। ऐसे और भी वेराइटीज होती हैं, ट्राईपार्टाइट या ट्राईलोब्ड, जिसमें तीन लोब्स इक्वल साइज के बनते हैं, और या फिर हो सकता है मल्टी लोब, बट वो वेराइटीज बहुत ही रेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो सबसे कॉमन जो वेराइटीज देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के बेसिस पे वो कौन सी है? प्लासेंटा ससेंचुरेटा, जिसमें क्या होगा? एसेसरी लोब या ससेंचुरेट लोब इज अवे फ्रॉम द मेन पोर्शन ऑफ दिस प्लासेंटा, बट यहाँ पे क्या है? इट इज कनेक्टेड विद दिस ब्लड वेसल्स। इज दैट क्लियर? और अगर इनके बीच में कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स नहीं है तो वो कंडीशन क्या बनेगी? प्लासेंटा स्प्यूरिया। प्लासेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस, बिकॉज एक्स्ट्रा कोरियालिस यदि यहाँ पर प्रेजेंट जो कोरियोनिक विलाइज हैं वो क्या हैं? बेयर, क्योंकि यहाँ पे इनको कोरोनिक प्लेट कवर नहीं कर रही है। तो इसमें भी दो वराइटीज हैं, प्लासेंटा सरकम वैलेट और प्लासेंटा मार्जिनेटा या सरकम मार्जिनेट। सो सरकम वैलेट के अंदर क्या है? देर इज अ डबल फोल्ड ऑफ एमनियन एंड कोरियोन। सो नियर अबाउट सेंटर क्या बनाती है? एक फाइब्रस रिंग, जो कि कैसी है? थिक। और इसके अंदर भी सेम यही होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर कोरोनिक प्लेट क्या होता है? स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू दिस बेसल प्लेट। तो यहाँ पे एक फाइब्रस रिंग फॉर्म होगी, लेकिन इसके अंदर थिन फाइब्रस रिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे एमनियन एंड कोरियोन डबल फोल्ड नहीं होता है।
और नेक्स्ट देखा प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसिया यानी एक्स्ट्रा लार्ज और थिन प्लासेंटा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस के अराउंड ही विलाइस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वरजन जो कैप्सुलरिस एरिया के अराउंड जो विलाइस फॉर्म हो रही है वो भी क्या है फंक्शनल, जिसके कारण प्लासेंटा की साइज क्या है लार्ज एज वेल एज थिन। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट के अंदर प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटीज और वेरिएशन के बारे में देखा, ससेंचुरेटा, एक्स्ट्राकोरियलिस एंड मेम्ब्रेनेसिया एंड अलॉन्ग विद दैट इज द प्लासेंटा बाईपार्टाइट और बाईलोब्ड। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डील करेंगे कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज। थैंक यू।